बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरियंस, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए जहां बहुत से मामलात में आपको बेहतरी ला रहा है, आपके लिए बेहतरी ला रहा है, वहीं कुछ मामलात में आप लोगों को बहुत मोहतात रहने का इशारा भी दे रहा है। अब अगस्त के महीने में एक और बहुत अच्छी बात यह होने वाली है कि एक बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आप किसी खास काम में मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, एक अरसे से मेहनत कर रहे हैं, तो अगस्त और सितंबर ये दो ऐसे महीने हैं, अगस्त का पूरा महीना और सितंबर का शुरू, किसी वक्त भी आप लोगों को अपने काम कारोबार के हवाले से कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो बड़ी जॉब आ सकती है, बड़ी जॉब की ऑफ़र आ सकती है, या फिर आपको किसी बड़े रोज़गार का, बड़ी जॉब का, बड़े कारोबारी आइडिया का पता चल सकता है। तो आप लोगों को जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपने लाजमी अवेल करना है, क्योंकि यह वक्त अच्छा है। इस वक्त आप जिस काम का आगाज़ कर रहे हैं, उस काम में आपने फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर उठाना है और आप फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आप लोगों ने सोच समझ के अपने कामों को आगे लेकर बढ़ना है। आंखें बंद करके आपने किसी पर भी भरोसा नहीं करना, हो सकता है कि कोई आपको लालच भी दे रहा हो, तो इसलिए आपने आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना, सोच समझ के अपने काम कारोबार के हवाले से आपने फैसले लेने हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ बहरहाल आपको अगस्त के पूरे महीने में और सितंबर के शुरू में आपको मिलेंगी। रोमांटिक रिलेशंस को देखें तो आप लोग रोमांटिक तो बहुत रहेंगे, अगस्त के पूरे महीने में आप लोग रोमांटिक रहेंगे, आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार ताल्लुक रहेगा, आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। और अगस्त के महीने में ही, बल्कि अगस्त के दरमियानी दिनों में 15, 16, 17, 18 अगस्त को आप अपने घर को रीडेकोरेट भी कर सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अगस्त के दरमियानी दिनों में आपकी डील फाइनल होती हुई नजर आ रही है। अगर आप एक लंबे अरसे से घर तलाश कर रहे हैं, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं या कोई प्लाट ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको ऐसी प्रॉपर्टी अगस्त के महीने में मिलती हुई नजर भी आ रही है। तो आप लोगों ने यहां पर भी सोच समझ के, जैसी आपकी तबीयत है, आप लोग जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के काम करते हैं, तो ऐसे ही आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। वैसे भी आप लोगों की तबीयत ऐसी है, आप लोग बहुत मजबूत लोग हो, मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक हो, प्रैक्टिकल हो, ख्वाबों ख्यालों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, जो भी काम करते हैं डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो बिल्कुल आपने अपने नेचर के ऐन मुताबिक इस महीने को गुजारना है। लेकिन इस नेचर के साथ साथ कुछ ऐड भी हो रहा है, और एडिशन ये है कि आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, मोहब्बत के नए तजुर्बात भी कर सकते हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, नई दोस्तियां भी हो सकती हैं, नई मोहब्बत भी हो सकती है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपके रबते में आ जाएंगी, अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। और वैसे भी अगस्त के महीने में आप लोग रिलैक्स रहेंगे, ज़हनी सुकून रहेगा, आप लोग ज़हनी सुकून की वजह से पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी रहेंगी, पॉजिटिव लोगों के साथ आपका रबता बनेगा, कुछ दिलचस्प लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, इंटरेस्टिंग लोगों के साथ आपकी डिस्कशंस रहेंगी। अगर कोई एक मसला आपकी ज़िंदगी में है, लंबे अरसे से चल रहा है, तो उस मसले का हल निकल आएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर अपने आला जो अफसरान हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनके साथ आपने बिगाड़नी नहीं है, उनके साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखने की आपने कोशिश भी करनी है। और वैसे भी अब आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ात पर रहेगी, आप अपने आप को खुश करेंगे, अपनी बेहतरी सोचेंगे, सिर्फ अपने लिए सोचेंगे। तो यहाँ पर आप लोग किसी हद तक खुद गर्ज भी हो सकते हैं, लेकिन ये खुद गर्जें भी अच्छी है। आप लोग जब खुद कामयाब होंगे, अपने आप को स्टेबल बनाएंगे, तभी आप दूसरों के लिए सोच सकेंगे, तो ये खुद गर्जें भी पॉजिटिव है, अच्छी है। इसीलिए तो आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा। आप लोग जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं,
आपके काम की वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगस्त के महीने में आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे आप लोगों को उतना ज़्यादा फायदा भी होगा। और वैसे भी अगस्त के महीने में आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे, आगे आगे रहेंगे, कोई मसला है तो उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, टॉप पर रहने की कोशिश करेंगे, माली मामलात भी आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेंगे। अब देखिए, मरीख और मुश्तरी, जुपिटर और मार्स की वजह से आप लोगों के मामलात तो पिछले कुछ महीनों से बेहतर चल रहे हैं। जुलाई के आखिरी दिनों में कुछ मामला थोड़े डाउन भी हो गए थे, खास तौर पर पैसों के मामलात में थोड़े डाउन भी हो गए थे, लेकिन अगस्त में फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और हाँ, आप लोगों ने अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, अपने रवैयों को आपने लचकदार रखना है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, सट्टा, जुआ या ऐसे कामों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि अगस्त के महीने में आपने किसी भी जगह पर कोई भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा डूब सकता है, ज़ाया हो सकता है। वैसे भी आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत रखनी है, गाड़ी चलाते हैं तो रास्तों पर आप लोगों ने खुद को महफूज बनाने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ अब आप लोगों की सोच भी बदलेगी। सोच यूं बदलेगी, जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग अपने आप के बारे में सोचेंगे, तो अब आप लोग जहां अपना एक एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियां थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, मज़हब की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप कुछ जिक्र, अजकार, वज़ायफ करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत बेहतर है, बल्कि अगले 1.5 साल तक का वक्त इस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग जो कोशिशें करेंगे वो कोशिशें फ़ायदेमंद साबित होंगी, उनका कोई ना कोई अच्छा रिज़ल्ट आपको लाजमी नज़र भी आएगा। वैसे अगस्त के महीने में आप लोगों का काम कारोबार बेहतर रहेगा। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा, बेहतर जॉब की तरफ जा सकेंगे, अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छी खबर आपको काम कारोबार के हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने में आप लोगों का काम कारोबार करियर अच्छा रहेगा, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।